चार हेरोइन तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और दिलार नगर का टॉप 10 हिस्ट्रीटर भी हुआ गिरफ्तार। मोहम्मद कैस खां जो कि निवासी मिर्चा गांव का रहने वाला था, 1 किलो 50 ग्राम नजायज हीरोइन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना दिलदार नगर को मिली बड़ी कामयाबी। हेरोइन तस्कर मणिपुर से ले आकर हेरोइन को विभिन्न राज्यों में बेचा करते थे। आगे क्या बताया गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने। खबर गाजीपुर जिले से। दिलदार नगर पुलिस और हमारी स्वाट और सर्विलेंस की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान कुछ मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। ये बिहार बॉर्डर पर रक्षा पुल जो है उसके पास चेकिंग के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 3 अपराधी जो हैं वो माल लेके आ रहे थे मणिपुर से, और इनका जो यहाँ चौथा कांटेक्ट था उससे मिले उस स्थान में, क्योंकि पूर्व में भी मादक पदार्थों के विरुद्ध गाजीपुर पुलिस द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया था। उसी सूचना को डेवलप करते हुए इसकी भी पिन पॉइंटेड सूचना थी कि इस तरह से आने का है, तो ये आज चारों लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से 1 किलोग्राम 500 ग्राम मादक पदार्थ जो बताया गया है इनके द्वारा हेरोइन है वो बरामद की गई है, और इन चारों को ही जेल भेजा जा रहा है। सर इसकी कीमत क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हेरोइन की कीमत लगभग 1.5 करोड़ होगी इसकी कीमत, क्योंकि 1 किलो 500 ग्राम है जो मादक पदार्थ पकड़ा गया है। जो पकड़े गए सर पुराने की कोई हिस्ट्री सीट है या? इनमें से जो जनपद गाजीपुर का रहने वाला है गुड्डू उर्फ मोहम्मद कैश खां, ये इसका आपराधिक चलन है, और ये पूर्व में भी हेतु हेतु अपहरण में जेल गया था, गैंगस्टर इत्यादि भी है, और अब ये यहाँ मादक पदार्थों में ऑपरेट कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट से माल मंगाता था मणिपुर। पूर्व में एक गिरोह आप लोगों को याद होगा कि झारखंड के लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी करीब 2-3 महीने पहले, उसी के क्रम में क्योंकि लगातार इन लोगों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी, इस बार ये वहाँ से मंगा के और जो आसपास के राज्य हैं बिहार झारखंड और बड़े शहर वहाँ पे सप्लाई करता था। सर ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के हैं? जैसा मैंने बताया मणिपुर के हैं 3 लोग और 1 दिलदार नगर का।